नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बरेली प्रॉपर्टीज़ ऑन वेरी चीप प्राइस। मैं आपका दोस्त विजय कुमार आज फिर लेकर आया हूं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। और दोस्तों प्लीज़ मेरे साथ में बने रहिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये ज़मीन जो है बहुत सस्ती है। जी हाँ, बाकी में बहुत सस्ती है। और आप देखेंगे, मैं पूरा पहले वीडियो को आप देख लीजिए, है ना, क्या लोकेशन, कैसी लोकेशन है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको प्राइस बताऊंगा इसके। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये ज़मीन सस्ती है या फिर महंगी है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी जो वीडियो को लाइक करके दोस्तों मेरा हौसला हमेशा यूँ ही बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि अभी तो जो कोरोना का टाइम है, तो अभी तो आप समझ सकते हैं मैं फिर भी लगातार कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। और एक चीज़ दोस्तों, आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो लैंड है, इसलिए करीब 700 बीघा है, है ना, यानी कि समथिंग 120 एकड़ के आसपास ये जो ज़मीन है। और आप देख सकते हैं ये इसमें जो अमरूद की खेती भी हो रखी है करीब 50 एकड़ में। बाकी जो सामने पॉपुलर देखी वो भी इसी में है, और एक बराबर में आपने देखी पॉपुलर पेड़ जो देखे वो भी इसी में है, और जो अभी आपने देखा पॉपुलर की खेती वो भी इसी में है। तो समथिंग दोस्तों करीब 700 बीघा ज़मीन भी बहुत होती है, 120 एकड़ काफ़ी हो जाती है, और एक ही परिवार के नाम पर है। आइए इसकी जो लोकेशन की हम पूरी जानकारी लेते हैं, कितनी दूरी पर है, कौन सी तहसील में है, क्या लोकेशन है, और कितना रास्ता कच्चा है, कितना रास्ता पक्का है, आज हम आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, ये हमारे राजाराम भैया हैं, है ना, इनको तो आप जानते ही हैं सभी लोग। तो दोस्तों इनका नंबर मैंने जो है स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर डाल दिया, तो इनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, इस लैंड के बारे में पूरी जानकारी आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये जो एक मीरगंज तहसील पड़ती है ना, मीरगंज तहसील पड़ती है बरेली की, जो कि दिल्ली से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, दिल्ली से मात्र 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है मीरगंज तहसील, जो कि बरेली में आती है। और जो इसकी दिल्ली और लखनऊ वाले हाईवे से इस खेत की अगर लोकेशन की मैं बात करूँ, दूरी की मैं बात करूँ, तो दोस्तों इसकी जो दूरी है वो हो जाती है 15 किलोमीटर की दूरी पर। ये जो है खेत का टुकड़ा है, आपको मतलब 15 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा तभी आपको मिल पाएगा, है ना, पहुँच पाएंगे आप इस पर। और अगर मैं तहसील से बात करूं, जो कि मीरगंज तहसील है, यानी कस्बा है काफ़ी बड़ा, है ना, कस्बा भी नहीं कह सकते, तहसील काफ़ी बड़ी होती है, कस्बा छोटा सा होता है, यानी कि आपको हर एक मार्केट वहां पर मिल जाएगी, है ना, हॉस्पिटल, कई सारी सुविधाएं हैं वहां पर, और काफ़ी बड़ी तहसील है। तो वो जो है वो उसकी दूरी करीब 12 किलोमीटर है इस लोकेशन से। तो आप जो है जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कच्चा रास्ता भी है। जी हाँ, मैं सिर्फ लोकेशन, खेत की लोकेशन को नहीं दिखाता, मैं सिर्फ आपको बता दूं कि यहाँ से इतनी दूरी पर यह है, इतनी दूरी पर वो है। तो थोड़ा सा जो है आप बहुत सारे दोस्त हमारे समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे हमारे जो मतलब मुझसे बड़े ही हैं, है ना, तो हमारे दर्शक जो है समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कई सारी चीज़ें आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों करीब ये कच्चा रास्ता आपको पड़ेगा 2.5 किलोमीटर। जी हाँ, मतलब आपको 2.5 किलोमीटर करीब कच्चा रास्ता ये जो है पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा कच्चे रास्ते पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं बरसात का मौसम है अभी, और लगभग में समथिंग रोज़ ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो है हर जगह कीचड़ है, मगर आप देख सकते हैं कि हम फिर भी आसानी से जा पा रहे हैं। और थोड़ी बहुत तो दोस्तों अभी कीचड़ है ही, अभी तो बरसात का मौसम है। फिलहाल अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, जी हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दिनों से मेरी कई दोस्तों के मेरे कमेंट आए कि विजय भाई आप जो है वीडियो नहीं डाल रहे हैं, बहुत दिन हो गए, क्या बात है, आप सही सलामत हैं नहीं है। उनको मैं कहना चाहूँगा कि मैं एकदम सही हूँ और एकदम सब फर्स्ट क्लास है, मगर क्या है कि दोस्तों मैं कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हर दूसरे दिन लगभग मैं ज़मीन सर्च करने जाता ही जाता हूँ, मगर बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो मुझे खुद पसंद नहीं आती, जो मुझे खुद लगता है कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ही नहीं पाएगी, तो उनको मैं क्या पोस्ट करूँ, आप बताइए। मतलब मैं ऐसी ज़मीन हूँ जो कि मुझे मतलब 70 किलोमीटर में चला जाता हूँ बरेली से, बाइक से अपनी दूर, ठीक है, 100 किलोमीटर में दूर चला जाता हूँ, यानी कि 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर लगभग मैं मेरा रोज का रन रहता ही है बाइक से। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी दूरी पर भी मुझे अगर सेम रेट पर अगर ज़मीन मिले, तो फिर मैं इतनी इतनी भाग दौड़ करने से क्या फ़ायदा,
है ना, मतलब इतनी दूर चल के भी जाऊँ सेम रेट पर अगर प्राय मिले तो मैं कम से कम ऐसा तो हो जो कि अगर मैं दूर भी जा रहा हूँ तो सही लोकेशन हो, प्राइस कम हो, तो मैं बहुत सारी वीडियो डाल नहीं पाता और ऐसी वीडियो मैं अगर डालूँ तो लग दूँगा रोज़ ही वीडियो डालूँगा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये जो हम पहुँच चुके हैं लैंड पर, यानी कि मैंने आपको बताया 2.5 किलोमीटर थी, कच्चा रास्ता था ये। अब आप देख सकते हैं, देखिए इसमें जो है इन्होंने चरी बो रखी है, ठीक है, चरी भी बो रखी है, धान भी बो रखे हैं, ठीक है, एक टुकड़े में ही सामने इसमें धान है, बराबर में चरी है, और ये जो लिफ्ट आप देख रहे हैं पॉपुलर है, ठीक है, इसमें पॉपुलर भी इन्होंने करीब 10-12 एकड़ में सामने कर रखी है, उधर उधर भी करीब 15-20 एकड़ में सामने जो है इन्होंने पॉपुलर जो है कर रखी है। और आगे आप जाएंगे तो आपको अमरूद का लगभग में बाग मिलेगा, वो करीब 50 एकड़ में इन्होंने कर रखा है, तो वो सब इसी में शामिल है दोस्तों। और एक चीज़, ये जो एक ही परिवार के नाम पर है दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं 10 से 14 एकड़ लगभग में जो है 10 से 14 एकड़ होती है एक परिवार, मतलब एक व्यक्ति के नाम पर, है ना, तो वो जो उस रूल के हिसाब से जो है इन्होंने जो है अपने परिवार के नाम पर कर रखे, तो टोटल करीब इसमें 13-14 जो है नाम आपको मिल जाएंगे इसमें, है ना। मैं इसलिए आपको पहले ऑलरेडी सारी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं, है ना, कभी भी जब चाहें तब आप विजिट कर सकते हैं। और ये जो है मीरगंज तहसील में है, तातरपुर जो एक गांव है उसमें, मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी, है ना, तो उसी में है दोस्तों। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो मेरा नंबर जो है आपको मिल जाएगा। ये देखिए अमरूद का पेड़ है, सामने भी जो पॉपुलर वो भी इसी में आ रही है, क्योंकि 700 बीघा ज़मीन जो है दोस्तों वो बहुत हो जाती है ना, और क्योंकि करीब समथिंग अगर एकड़ में मैं बात करूँ तो 120 एकड़ के आसपास पड़ेगी, है ना। ये सामने देखिए इन्होंने धान भी कर रखे हैं, और इसमें दोस्तों चक्रोट भी है सरकारी, है ना, क्योंकि ये सारा पूरा बहुत बड़ा फार्म है, तो जब कभी आप आएंगे तो इस पर आप विजिट कर सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं, है ना। और अब मैं इसकी प्राइस की बात कर लेता हूँ, इसका प्राइस जो दोस्तों वो है 6 लाख रुपये पर एकड़, जी हाँ 6 लाख रुपये पर एकड़ इसका प्राइस है, और बहुत ही मतलब समझ सकते हैं बहुत ही कम है इसका प्राइस, और निगोशिएशन भी हो सकता है। जी हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इसमें निगोशिएशन भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, इससे भी कम पर भी हो सकता है दोस्तों। इससे अच्छी जो मतलब इससे सस्ती ज़मीन शायद मैं नहीं ला पाऊँगा, मिल जाएंगी इससे भी सस्ती, मगर जो है बहुत दूर होंगी वो, है ना। अब क्या फ़ायदा, उससे भी आपको जाने में बहुत टाइम लगे, आने में आपको बहुत टाइम लगे, तो जो है इससे सस्ती ज़मीन आपको मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे, जी हाँ बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे ये जो ज़मीन है, और मात्र 6 लाख रुपये एकड़ पर इनका जो है पर एकड़ इनकी जो है डिमांड है। बाकी दोस्तों अगर आप आएंगे पसंद कर लेते हैं, सबको जो कर लेते हैं, तो उसकी जो है निगोशिएशन भी इसमें हो सकता है ना, वो आप जब सामने बैठेंगे तो आप खुद कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो कमीशन होता है वो 2% होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता रहा हूँ, है ना, हमारा मात्र 2% का कमीशन होता है दोस्तों। और जब आप आएँगे तो मुझे जो है एक दिन पहले या 2 दिन पहले मुझे कॉल कर सकते हैं, राजा राम भैया का नंबर भी इसमें मैंने शो कर रखा है, उसमें कॉल कर सकते हैं, है ना, ताकि जो है हम उस दिन फ्री रहें। और दोस्तों मैं ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो अगर अभी तक, जी हाँ अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कराओ, लाल वाला बटन अगर ना दबाया हो तो प्लीज़ दबा जरूर दें, क्योंकि दोस्तों मुझे उससे हौसला मिलता है कि हाँ मुझे जो है लोग मुझे मतलब पसंद कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए जो है कम से कम प्राइस पर जो है ज़मीन सर्च करता रहूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, करीब लगभग मैं 15-20 दिन हो गए, उसमें से मैंने लगभग मैं बहुत ही कम इसमें वर्क कर पाया, मतलब वीडियो कम डाल पाया, वर्क तो मैंने बहुत किया, है ना, क्योंकि सस्ती ज़मीन मिल नहीं थी, मैं दूर दूर तक गया, वहाँ पर भी सेम प्राइस, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। तो और तो देख सकते हैं जैसा कि आप जो है पूरा वीडियो में दोस्तों आप इंजॉय करते हैं। मिट्टी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो मिट्टी भी जो है दोस्तों, अब इसकी जो है मिट्टी की हम बात कर लेते हैं, है ना। अब दोस्तों इसकी जो मिट्टी है वो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि भुरभुरी जो एक मिट्टी होती है, है ना, जिसमें जो है आप सारी फसलें कर सकते हैं, जी हाँ धान गेहूं गन्ना या और कुछ आप इसमें सारी फसलें कर सकते हैं दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सारी आपको मिट्टी दिखाने की कोशिश की है। और दोस्तों मैं बोरिंग की बात कर लेता हूँ इसमें, तो इसमें दोस्तों 4 बोरिंग हैं, नॉर्मल वाले जो डीजल वाले होते हैं 4 बोरिंग हैं वो, है ना, तो आप जो है देख सकते हैं, मैंने सारी जानकारी लगभग में दे ही दी है, लाइट की सुविधा भी है इसमें, है ना। अब अगर दोस्तों अगर और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप जो है कॉल पर मुझसे पूछ सकते हैं, या इसके विषय में फ़ोन करके, व्हाट्सअप मेरा नंबर व्हाट्सअप भी है,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई गलती हो गई है, कुछ छूट गया हो, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आपका छोटा भाई विजय कुमार, जय हिंद, जय